हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो आज हम सीखेंगे स्केचअप के अंदर खुद के शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट मतलब ऐसी चीज जिसमें आपको मेहनत कम लगे और काम जल्दी हो। शॉर्टकट सीधी सी बात है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा और एक डायरेक्ट शॉर्टकट जाऊंगा, इजी कौन सा पड़ेगा, शॉर्टकट। ओके, तो शॉर्टकट के अंदर क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे आप टूल्स देख रहे हैं, बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर, एडिट का है, डिलीट का है। तो यहाँ पे अपने शॉर्टकट कैसे बनेंगे, जैसे मैं आपको शॉर्टकट दिखा दूँ, जैसे ये पेड़ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए हाइड हो गया, हाइड। कार मेरे को नहीं चाहिए हाइड करनी, हाइड हाइड। ओके, अब हाइड किया तो मैंने ऐसे हाइड किया। ओके, तो यदि आपको यदि हाइड करना होता तो आप यदि शॉर्टकट नहीं है अपने पास, तो जैसे कि मेरे को मान लीजिए ये वाला पूरा अपने को हाइड करना है, तो इसको सेलेक्ट करते फिर यहाँ पे व्यू, नहीं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लेते हाइड। ओके, ये हाइड हो गया। अब अनहाइड करना है, अनहाइड आप कैसे करते, यहाँ पे व्यू हिडन जियोमेट्री इस पर क्लिक करते, फिर इसके ऊपर सेलेक्ट करते, फिर आप अनहाइड करते। ओके, फिर आप वापस व्यू हिडन जियोमेट्री ऑफ करते। ये सब तामझाम बहुत लंबा हो रहा है, और मैं देखिए अभी आपको शॉर्टकट में अनहाइड करना बताता हूँ। विचारी दी, सीधी सी बात है कि ये वाला इजी है अपने पास। ओके, तो ये हम शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यदि आपको हाइड का शॉर्टकट क्रिएट करना है या अनहाइड करना, कुछ भी करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको जाना है विंडो। विंडो में आपको यहाँ पे डिफेंस दिखाई देगा, डिफेंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी, एप्लीकेशन ओपनिंग, ड्राइंग फाइल्स ओपनिंग, ओपन जीआर। नीचे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है शॉर्टकट। ओके, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ फिल्टर बता रहा है, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे ऐड शॉर्टकट है, यहाँ पे असाइन है, और यहाँ पे रीसेट ऑल। मतलब यदि आपने कोई यदि शॉर्टकट बनाया हुआ है, यदि वो आपको नहीं चाहिए तो आप रीसेट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी शॉर्टकट है वो पहले जैसे, मतलब जब आप स्केचअप न्यू इंस्टॉल करते हो तो जैसे होते वैसे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो हाइड का वो शॉर्टकट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड, जैसे आप यहाँ पे हाइड देखेंगे, एडिट एंड हाइड, तो यहाँ पे असाइन देखिए, यदि मैं कीबोर्ड से हैच बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा हाइड हो जाएगा, और अनहाइड के लिए देखिए नीचे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं जैसे यू करता हूँ तो मेरा अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। ओके, तभी जैसे यहाँ पे नया क्रिएट करता है अपना कुछ भी, तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ डिलीट। ओके, यहाँ पे जैसे एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू एनिमेशन। ओके, डिलीट असाइन, यहाँ पे आपको डिलीट दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एड शॉर्टकट डी प्लस इसको डिलीट कर देते अपने। ओके, तो ये हो गया मेरा शॉर्टकट के एडिट करने के लिए। मैं यहाँ पे डी जैसे कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो वो मेरा एडिट नहीं तो डिलीट हो जाए। ओके, और यहाँ से आपको जो भी सेटिंग करनी है करके ओके दबा देना। ओके, तो पहले कोई डी पे नहीं है, तब मैं जैसे डी दबाऊ डिलीट हो गया मेरा, यदि मेरे को ये नहीं चाहिए डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं वापस, नहीं तो आपको डिलीट दबाने के लिए क्या करना था, आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट जो बटन होता है कीबोर्ड पे आप वो दबाते थे, नहीं तो आपको यहाँ से कीबोर्ड से सिर्फ ओनली डी दबाना। ओके, और भी कई शॉर्टकट है, और भी करते हैं अपने विंडो डिफेंस शॉर्टकट। एक चीज ध्यान रखनी है, एक की बटन के लिए दो मतलब शॉर्टकट नहीं हो सकते, जैसे मैंने यहाँ पे डी का जो किया था तो डी के लिए फिर आप सिर्फ डी से एक ही हो सकते हैं, दो चीज नहीं हो सकती कि आप डी के लिए डिलीट भी कर सकते हो, आप डी से हाइड भी कर सकते हो, वो नहीं हो सकता, एक ही होगी। यहाँ पे आपको असाइन एक ही करता है, जैसे कुछ और हम देख लेते हैं,
जैसे देखिए यहाँ पे मेरा एन स्केप इंस्टॉल है, तो यहाँ पे एक्सटेंड एन स्केप एसेट लाइब्रेरी, तो मेरे को एसेट लाइब्रेरी जैसे ओपन करनी है, ओके तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे मैं एसेट लाइब्रेरी ओपन करूँगा। मेरे को यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, मेरी मतलब ओके मेरे को ये चीज़ यहाँ पे करनी नहीं है, मेरे को यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। और बिना क्लिक किए मैं कीबोर्ड से यदि कोई बटन प्रेस करूँ तो वो मेरा हो सकता है। तो एन स्केप एसेट लाइब्रेरी यहाँ से आपको जो भी है फंक्शन सेलेक्ट करना है, एड शॉर्टकट में आप उसको शॉर्टकट कौन सा देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं ए दबाना चाहता हूँ तो जैसे मैं ए प्रेस करूँ तो मेरी एसेट लाइब्रेरी ओपन हो जाए। फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है ए इज करंटली यूज्ड बाय ड्रॉ आर 2.r, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो आपका ए जो असाइन है वो ऑलरेडी यूजेज है। ओके तो यहाँ से अपने ए नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमने कीबोर्ड के बहुत सारे अल्फाबेट यूज किए, पर यहाँ पे मतलब बता रहा है कि वह ऑलरेडी असाइन है, मैंने ऑलरेडी असाइन किए हुए, नहीं तो स्केच अपने ऑलरेडी असाइन अपने को दिए हुए। ओके तो यहाँ पे जो नंबर पेड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर दबाता हूँ, नंबर पेड फर्स्ट, प्लस पे क्लिक करूंगा, ओके और फिर मेरे को यहाँ पे कर लेना ओके। तो जैसे ही मैं एक नंबर दबाता हूँ कीबोर्ड से, जैसे प्रेस करूंगा ओके तो देखिए ये लोडिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब एसेट लाइब्रेरी अपनी ओपन हो गई। ओके तभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो इसके लिए ऐसे ही बता रहा। देखिए जैसे मैं एक नंबर प्रेस करता हूँ वैसे ही मेरा यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। ओके तो यही चीज थी कि हम कैसे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं कोई भी अपना कोई भी टूल्स के लिए। ओके तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।